हरभजन सिंह ने इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी दी, लेकिन उस स्टेटमेंट के नीचे ना, चलो पूरी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी फनी किस्म की स्टोरी है। हरभजन सिंह ने यह स्टेटमेंट दी, बेसिकली उनसे सवाल ये किया गया कि टीम इंडिया का कितने परसेंट चांस है वर्ल्ड टी20 जो चल रहा है वो जीतने का। तो हरभजन सिंह ने कहा कि यार हमारी टीम ए गेम का खेल रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, गेम अवेयरनेस, गेम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब चीज़ें बड़ी परफेक्टली हो रही हैं, सारे टिक बॉक्सेस चेक हैं, लड़कों की गेम ज़बरदस्त हो रही है, फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है, किसी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ खेल रहे हैं, पॉजिटिव इंटेंट है, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने ओपोनेंट्स को जिसे कहते हैं वो उठने नहीं दे रहे, लो स्कोरिंग मैचेस में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने बैटिंग की जगह ले ली है, वो जिता रही है। तो मतलब हर चीज़ में ना अमन, सुख, शांति, चैन लिखा जा रहे हैं, चैन लिखा जा रहा है। अच्छा, तो हरभजन सिंह ने कहा कि अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू करता है तो मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया वर्ल्ड टी20 जीत जाएगी, वर्ल्ड कप उठाएगी आफ्टर 2007। इंडिया आपको पता है नेगरल जो वर्ल्ड टी20 हुआ था वो जीता था 2007 में। अब उसको हो गए हैं, अल्लाह आपका भला करे तो तकरीबन 17-18 साल होने वाले हैं। तो हरभजन सिंह को ये लगता है कि टीम इंडिया हैज़ अ ह्यूज चांस। बाय द वे, भज्जी उस टीम में थे जो इसमें टीम इंडिया जीती थी अंडर दी कैप्टनसी ऑफ द ग्रेट एम एस धोनी। इस पोस्ट के नीचे जो मैं कमेंट्स पढ़े ना इंडियन क्रिकेट फैंस के, वो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ, हाँ तू नज़र लगा दे, तूने 2023 के वर्ल्ड कप में भी तूने इतनी बातें की, इतना तूने ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, हर चीज़ को तूने नज़र लगा दी, हम मार गए। अच्छा, कोई किसी और ने क्या लिखा हुआ था, हाँ एक ने लिखा हुआ था, हाँ अब ये नज़र लगाएगा, इस तरह की बात हुई। अच्छा, और भी कुछ थे एक दो फनी, क्या थे यार वो, किसी ने लिखा हुआ था कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स का ना ये जो एक ईगोइस्टिक टाइप अप्रोच है ना, यही हमें मरवाती है, इसी वजह से लोग हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक किस्म की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो मैंने ओवरऑल जब सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी ना, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डीप डाउन ना इंडियन क्रिकेट फैंस को ना अपनी टीम की परफॉर्मेंस उनको अच्छी तो लगती है, बट यार उनको डर भी लगा रहता है। अब आप देखो वर्ल्ड कप 2023, इंडिया फिनोमिनल, घर में उनके क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, इंडिया हर किसी को पेल रहा है, मतलब क्या पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, फलाना टिमकाना, सबको हराया। फाइनल में पहुंचे, 11वां मैच था, पिछले 10 मैचेस वो जिसे कहते हैं कंप्रीहेंसिवली वन साइडेड टाइप उन्होंने जीते, 11वें मैच में आके लेसन लग गए, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया। ये जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना दोस्त, ये बड़ा अजीब सा है, ये जब अपने कर्तव्य दिखाने पर आता है ना, तो फिर आपकी अपनी ही बनाई हुई सारी गेम प्लानिंग उल्टी आप पर पड़ जाती है, पिच नहीं ठीक हुई, बॉलिंग नहीं ठीक हुई, ये हो गया, वो हो गया, एक अजीबोगरीब किस्म की ना, मतलब आपकी आंखों के सामने ना हर चीज़ धड़न तख्ता हो जाती है, और जबकि आपको लग रहा होता है यार मैंने तो परफेक्टली प्लान किया था, टीम इंडिया के साथ ये हुआ। अब इंडियन क्रिकेट फैंस को ना ये डर है कि इधर भी तो अभी तक यही सीन चल रहा है, इंडिया अनबीटन चल रहा है वर्ल्ड टी20 में, इंडिया एक मैच नहीं हारा, एक मैच है जो उनका वाइट वॉश हुआ है, मतलब उसमें बारिश हुई है। तो मैं बैठा ये सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं अपनी वीडियो में ये दिलासा दे दूंगा 2023 के वर्ल्ड कप में बारिश नहीं हुई थी, हाँ इंडिया का कोई मैच वाइट वॉश नहीं हुआ था, तो तुम इसको इस ज़रा देख लो कि मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंट है ना, कि वहाँ पर कोई भी गेम जिसे कहते हैं बारिश की नज़र नहीं हुई, यहाँ पर बारिश की नज़र हो गई। थोड़ा सा डिफरेंट और कर लो तो वर्ल्ड कप में विराट कोहली बड़ी प्राइम फॉर्म में थे, अभी वो थोड़े से ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स मेकिंग में, रोहित शर्मा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलते थे राइट एट द टॉप, वो भी अभी उस तरीके से नहीं खेल पा रहे, तो मे बी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको फील हो जाए। उसमें मोहम्मद शमी उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी, इस टूर्नामेंट में शमी नहीं है, वो इंजरी, उनका रिहैब चल रहा है आपको पता ही है, उस पर भी एक अलग से बताते हैं कि शमी भाई की भी वापसी की बातें होना शुरू हो गई हैं बाय द वे। अच्छा, तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, लेकिन डीप डाउन ना मैंने देखा है इंडियन क्रिकेट फैंस का ना थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना धड़ल्ला उनको लगे ही हुआ है कि यार
ये कुछ हो ना जाए, समथिंग लाइक दैट। वो कुछ से मेरी भी बात होती है तो वो भी ना कहते हैं यार बस मेरा एक इंडियन दो एक इंडियन नहीं दो तीन इंडियन दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा यार, वो ऑब्वियसली फिर ज़रा प्राइवेसी का होता है, वो मुझे कह रहे कहते हैं यार फारू दुआ करी यार इस दफ़ा वो वाली बैड लक ना हो जो हमारे साथ 2023 में हुई है। मैं हंस हंस गिर गया, मैंने कहा अबे ओए, मैंने कहा अबे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ बे, मुझसे क्यों दुआएं करवा रहे हो। आगे से मैं कहता हूँ उन्होंने जो सलावातें सुनाई है ना मुझे, आपकी सोच है कि तेरे जैसे दुश्मन हो ना, कहते हैं तेरे जैसा दुश्मन सो दोस्तों से भला, इस तरह की उन्होंने कोई बात की। मैंने कहा यार थैंक यू सो वेरी मच, तुम लोग इतनी मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा उनको एनालिसिस ये था टीम इंडिया के ऊपर, हरभजन सिंह ने जो बातें की ना, बातें बिल्कुल सारी ठीक है, इसमें एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है। मैं आपको एक बड़ा मेजर डिफरेंस बताता हूँ जो मुझे इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा है, और वो ये है कि टीम इंडिया को टीम इंडिया की बॉलिंग जिता रही है। बांग्लादेश वाले मैच को निकाल दें अगर हम, वो ज़रा हार्दिक पांड्या ने स्कोर कर दिया तो वो 196 पर गेम चली गई। इससे पहले टीम इंडिया लो टोटल्स ही डिफेंड कर रही है, और पाकिस्तान वाला जो टोटल उन्होंने डिफेंड किया 120 का, वो तो आई बिलीव कि वो अभी तक का ना उनका जो सबसे रिजिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस है वो उस मैच में थी। उन्होंने 120 नहीं करने दिया, 120 इज़ नथिंग इन T20। मैं आपको बताऊं पिच फलाना टिमकाना कंडीशन दिस दैट सब BS है, सब BS। 120 आप नहीं कर सकते ना अगर 20 ओवर्स में, तो फिर भाई साहब आपको वाकई उस टूर्नामेंट में आगे जाने का कोई हक नहीं था। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनको ज़रा रखना चाहिए, इस टूर्नामेंट में चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। टीम इंडिया की बॉलिंग टीम इंडिया को जिता रही है, और इन पिचेस के ऊपर बॉलिंग ही जिताएगी। ये इतनी बड़ी कोई पिचेस हैं नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि जहाँ पर मैसिव किस्म के आपको ना स्कोर्स नज़र आएँ, आपको आपकी बैटिंग चलती भी नज़र आए, नहीं। तो टीम इंडिया की बॉलिंग इस दफ़ा जिता रही है, तो आई बिलीव के मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया का इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि इस दफ़ा उनकी बैटिंग अंडर प्रेशर थोड़ी सी नज़र आती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है ना उसने ठीक ठाक स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है। ये एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में नज़र आता है, तो मुझे भी ओवरऑल टीम इंडिया का चांस तो काफ़ी हाई नज़र आता है। लेट्स सी क्या बनता है, ये तो अब ऊपर वाले ही जाने, लेकिन कैलकुलेशन टीम इंडिया की ही तरफ इशारा करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।